मैं चमारों की गली तक ले चलूंगा आपको। अदम गोंडवी की ये कविता हम लाए हैं पोएटिका में आपके। कविता बहुत ही मार्मिक और समाज के एक विचित्र स्वरूप को दर्शाती है। इसमें व्यंग भी है, वासना भी है और समाज का आईना भी है। आइए महसूस करिए जिंदगी के ताप को, मैं चमारों की गली तक ले चलूंगा आपको। जिस गली में भुखमरी की यातना से उबकर मर गई फुलिया बेचारी, एक कुएं में डूबकर है सधी सिर पर बिनौली कंडियों की टोकरी। आ रही है सामने से हर खुआ की छोकरी, चल रही है छंद के आयाम को देती दिशा, मैं इसे कहता हूँ सरजू पार की मोनालिसा। कैसी यह भयभीत है हिरनी सी घबराई हुई, लग रही है जैसे कली बेला की कुम्हलाई हुई। कल को यह वाचाल थी पर आज कैसे मौन है, जानते हो इसकी खामोशी का कारण कौन है। थे यही सावन के दिन हरखू गया था हाट को, सो रही बूढ़ी ओसारे में बिछाए खाट को। डूबती सूरज की किरणें खेलती थी रेत से, घास का गट्ठर लिए वह आ रही थी खेत से। आ रही थी वह चली खोई हुई जज्बात में, क्या पता उसको कि कोई भेड़िया है घात में। होनी से बेखबर कृष्णा बेखबर राहों में थी, होनी से बेखबर कृष्णा बेखबर राहों में थी। मोड़ पर घूमी तो देखा अजनबी बाहों में थी, चीख निकली भी तो होठों में ही घुटकर रह गई। छटपटाई पहले फिर ढीली पड़ी फिर ठह गई, दिन तो सूरज के कछारों में था कब का ढल गया, वासना की आग में कौमार्य उसका जल गया। और उस दिन ये हवेली हंस रही थी मौज में, होश में आई तो कृष्णा थी पिता की गोद में। जुड़ गई थी भीड़ जिसमें जोर था सैलाब था, जो भी था अपनी सुनाने के लिए बेताब था। बढ़ के मंगल ने कहा, काका तू कैसे मौन है, पूछ तो बेटी से आखिर वो दरिंदा कौन है। कोई हो संघर्ष से हम पांव मोड़ेंगे नहीं, कच्चा खा जाएंगे जिंदा उनको छोड़ेंगे नहीं। कैसे हो सकता है होनी कह के हम टाला करें, और ये दुश्मन बहु बेटी से मुँह काला करें। बोला कृष्णा से बहन सोजा मेरे अनुरोध से, बच नहीं सकता है वो पापी मेरे प्रतिशोध से। पड़ गई इसकी भनक थी ठाकुरों के कान में, वे इकट्ठे हो गए थे सरपंच के दालान में। दृष्टि जिसकी है जमी भाले की लंबी नोक पर, देखिए सुखराज सिंह बोले हैं खैनी ठोक कर। क्या कहें सरपंच भाई, क्या जमाना आ गया, कल तलक जो पाँव के नीचे था रुतबा पा गया। कहती है सरकार की आपस में मिलजुल कर रहो, सुअर के बच्चों को कोरी नहीं हरिजन कहो। देखिए ना यह जो कृष्णा है चमारों के यहाँ, पड़ गया है सीप का मोती गवारों के यहाँ। जैसे बरसाती नदी अल्हड़ नशे में चूर है, हाथ ना पुट्ठे पर रखने देती है मगरूर है। भेजता भी है नहीं ससुराल इसको हर खुआ, फिर कोई बाहों में इसको भींच ले तो क्या हुआ। आज सरजू पार अपने श्याम से टकरा गई, जाने अनजाने वो लज्जत जिंदगी की पा गई। वो तो मंगल देखता था, बात आगे बढ़ गई, वरना वह मरदूद इन बातों को कहने से रही। जानते हैं आप मंगल एक ही मक्कार है, हरखू उसकी सह पिथाने जाने को तैयार है। कल सुबह गर्दन अगर नपती है बेटे बाप की, गांव की गलियों में क्या इज्जत रहेगी आपकी। बात का लहजा था ऐसा, ताव सबको आ गया, हाथ मूछों पर गए, माहौल भी सन्ना गया था। क्षणिक आवेश जिसमें हर युवा तैमूर था, हाँ मगर होनी को तो कुछ और ही मंजूर था। रात जो आया न अब तूफान वह पुरजोर था, भोर होते ही वहां का दृश्य बिल्कुल और था। सिर पे टोपी बेंत की लाठी संभाले हाथ में, एक दर्जन थे सिपाही ठाकुरों के साथ में। घेर कर बस्ती कहा हल्के के थानेदार ने,
जिसका मंगल नाम हो वह व्यक्ति आए सामने। निकला मंगल झोपड़ी का पल्ला थोड़ा खोलकर, एक सिपाही ने तभी लाठी चलाई दौड़कर। गिर पड़ा मंगल तो माथा बूट से टकरा गया। सुन पड़ा फिर, माल वो चोरी का तूने क्या किया? कैसी चोरी, माल कैसा? उसने जैसे ही कहा एक लाठी फिर पड़ी, बस होश फिर जाता रहा। होश खोकर वह पड़ा था झोपड़ी के द्वार पर। ठाकुरों से फिर दरोगा ने कहा ललकार कर, मेरा मुंह क्या देखते हो? इसके मुंह में थूक दो, आग लाओ और इसकी झोपड़ी भी फूंक दो। और फिर प्रतिशोध की आंधी वहां चलने लगी। बेसहारा निर्बलों की झोपड़ी जलने लगी। दुधमुहा बच्चा व बुढ़ा जो वहां खेड़े में था, वह अभागा दीन हिंसक भीड़ के घेरे में था। घर को जलते देखकर वे होश को खोने लगे। कुछ तो मन ही मन मगर कुछ जोर से रोने लगे, दो इन कुत्तों के पिल्लों से कि इतराए नहीं, हुक्म जब तक मैं न दूं कोई कहीं जाए नहीं। वह दरोगा जी थे मुंह से शब्द झरते फूल से, आ रहे थे ठेलते लोगों को अपने रूल से। दिन दहाड़े फिर दहाड़े, इनको डंडों से सुधारा जाएगा, ठाकुरों से जो भी टकराएगा मारा जाएगा। एक सिपाही ने कहा, साइकिल किधर को मोड़ दें? होश में आया नहीं, मंगल कहो तो छोड़ दें। बोला थानेदार, मुर्गे की तरह मत बांग दो, होश में आया नहीं तो लाठियों पर टांग लो। ये समझते हैं कि ठाकुर से उलझना खेल है, ऐसे पाजी का ठिकाना घर नहीं है जेल है। पूछते रहते हैं मुझसे लोग अक्सर यह सवाल, कैसा है कहिए न सरजू पार की कृष्णा का हाल। उनकी उत्सुकता को सहरी नग्नता के ज्वार को, सड़ रहे जनतंत्र के मक्कार पैरोकार को, धर्म संस्कृति और नैतिकता के ठेकेदार को, प्रांत के मंत्रीगणों को, केंद्र की सरकार को, मैं निमंत्रण दे रहा हूँ आए मेरे गांव में, तट पे नदियों के घनी अमराइयों की छाँव में। गांव जिसमें आज पांचाली उघाड़ी जा रही, या अहिंसा की जहां पर नथ उतारी जा रही है, तरसते कितने ही मंगल लंगोटी के लिए, बेचती हैं जिस्म कितनी कृष्णा रोटी के लिए, बेचती हैं जिस्म कितनी कृष्णा रोटी के लिए।